हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देखिए। फैमिली व्लॉग था, संडे व्लॉग था, घूमने गया था फैमिली को लेकर के। तो नया व्लॉग अभी स्टार्ट किया हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या व्लॉग शूट किया जाए। तो मदनापल्ली में ना बहुत सारे चीज़ें हैं दिखाने के लिए, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया 10 किलोमीटर दूर पर कोल्डाबायलू जो वाटरफॉल था, फोर्ट था। हॉस्टलेज का तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने हॉस्टलेज का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करूँगा। पूरा वीडियो बनाया है मैंने हॉस्टलेज का, फुल टूर वाला वीडियो बनाया है, सब कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। तो जैसे बैठे बैठे सोच रहा था कि कुछ और क्या बनाया जाए, ग्राउंड्स वगैरह हैं वीडियो शूट करने के लिए, तो अभी ग्राउंड का मैं नहीं बनाने वाला हूँ, फ्यूचर में कभी देखते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में आया कि जो बाईपास है मदनापल्ली का, दो बाईपास है एक्चुअल से, ओल्ड बाईपास और एक न्यू बाईपास है। ओल्ड बाईपास जो है वो तो सिटी के अंदर आ चुका है, न्यू बाईपास से वो सिटी के बाहर से होते हुए गुजरता है, तो उसका वीडियो मैं बनाने का सोचा हूं। बाईपास क्यों, किस लिए मैं शूट करने वाला हूं? आपको लग रहा होगा कि बाईपास क्यों शूट कर रहा है, क्यों दिखा रहा है? तो बाईपास में क्या है, कौन से रेस्टोरेंट है, क्या बाईपास में क्या ऐसा कुछ नया है, या फिर मदनापल्ली का बाईपास कैसे दिखता है, वो दिखाने के लिए मैं शूट करने जा रहा हूँ। अभी चलते हैं सीधा बाईपास पे। तो मैं कहाँ से शुरू करने वाला हूँ वो वहीं पर जाके मैं आपको दिखाऊँ कहाँ से मैं शुरुआत करूँगा बाईपास की, क्योंकि दो साइड है बाईपास, दोनों एंट्री पॉइंट है। अगर पुंगनूर साइड से आएँ वो भी एंट्री पॉइंट है, अगर कड़पा साइड से आएँ वो भी एंट्री पॉइंट है। तो मैं दोनों में से एक एंट्री पॉइंट में मैं अभी आपको ले चलता हूँ। तो सीधा अभी हम आ चुके हैं पुंगनूर साइड से, जब आते हैं तो मदनापल्ली का बाईपास जो शुरू होता है, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है वो बाईपास का रास्ता है, और जो लेफ़्ट साइड मैंने आपको दिखाया वो मदनापल्ली में एंटर होने वाला रास्ता है। तो ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता है ये जाता है टाउन के अंदर, और यहाँ से शुरू हो जाता है बाईपास। ये रहा जंक्शन, श्री कृष्ण देवराया जंक्शन भी बुलाया जाता है, और ये स्टैचू है श्री कृष्ण देवराया की। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है बाईपास। लेफ्ट साइड में आपको नजर आया ये तो लॉरी का मैकेनिक शेड है। वैसे ना यहाँ पे इतने ज्यादा शॉप्स नहीं है, बहुत कम शॉप्स हैं, एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, और राइट साइड पे एक शादी हॉल है, जो मेरी शादी हुई थी यहीं पे हुई थी। ये राइट साइड पे एक हॉल है, शादी हॉल, बहुत ही अच्छा हॉल है। अगर मेरे पास वीडियो रहेगा तो मैं अपलोड करूँगा सेपरेट से। तो देख सकते हैं आप पूरा बाईपास, यहाँ रुका करके मैं दिखाता हूँ आपको कितनी दूर तक नज़र आता है यहाँ से। और ये बाईपास में एक ही पेट्रोल पम्प है जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, देखो बाईपास कितनी दूर तक नजर आ रहा है। वो जो पहाड़ के पास टर्निंग नजर आ रही है वहां से टर्न थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो जाता है, वहां जो टर्निंग नजर आ रही है ना पहाड़ के पास, वहाँ रुका करके भी मैं आपको दिखाता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसा नज़र आता है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड पे एक टेंपल है, और उसके पीछे बसनीकोंडा जो फेमस पहाड़ है मदनापल्ली का, ये रहा पहाड़। यहाँ पे भी एक छोटा सा रोड है क्रॉसिंग के लिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाला रोड भी मदनापल्ली के सिटी में अंदर जाता है टाउन में। लेफ्ट से अगर जाएंगे तो यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो सिटी के अंदर जाते हैं। अभी तो बाईपास दिखाना है आप लोगों को, तो हम बाईपास में हैं। यहाँ पे चंद शॉप है चाय के, और फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और इसी बाईपास पे ना दो रेस्टोरेंट है,
मदनपल्ली के फेमस रेस्टोरेंट है, एक अरेबियन रेस्टोरेंट है और एक वेनला करके एक रेस्टोरेंट है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आपके राइट साइड की तरफ अरेबियन रेस्टोरेंट, इसका रिव्यू तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, दोबारा से मैं दे दूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो पे या इसी वीडियो पे हुआ तो दूंगा। ये रहा रेस्टोरेंट और ये बाईपास, ये एक रेस्टोरेंट है, थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और रेस्टोरेंट नज़र आएगा और ये लेक है, रेस्टोरेंट को लग के ही एक लेक है, देख सकते हैं लेक। अभी तो थोड़ा खाली खाली है, लेक का भी व्यू पॉइंट है थोड़ा सा बाईपास पे। और जो अरेबियन रेस्टोरेंट की रिव्यू है मैं लास्ट में बोलूँगा उसके बारे में, एकदम लास्ट में नाइट व्यू के साथ। थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को लेक व्यू भी दिखा देता हूँ। लेक व्यू देखो ऐसा कुछ है और मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं यहाँ पर। लेक व्यू को देखते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये भी एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन हॉल भी है, उस पे भी है, पीछे वाले में भी, इसमें भी है। और ये रहा वेनला रेस्टोरेंट, इसका भी रिव्यू मैं आखिरी में दूंगा। और यहाँ से भी अगर लेफ्ट जाएंगे तो मदनापल्ली के अंदर ही जाएंगे, जो डीमार्ट वाला एरिया है वहाँ पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो। अरे यहाँ पे भी एक होटल है छोटी सी, पता नहीं नाम क्या है इसका, होटल अमोगा अमोगम कुछ है। तो मैंने इससे पहले आपको टर्निंग पॉइंट दिखाया था पहाड़ के पास, ये वही टर्निंग पॉइंट है, दिखाता हूँ यहाँ से कैसा व्यू दिखता है पीछे की तरफ का। तो ऐसा कुछ व्यू है पीछे का, अभी और आगे की तरफ सब बढ़ते हैं। ये जो बाईपास का टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 8 किलोमीटर का है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक काउंट करेंगे तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ये बाईपास का। अभी हम सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर किए हैं और 4 किलोमीटर जाना बाकी है। और यहाँ पे राइट साइड पे मदनपल्ली के ड्राइविंग स्कूल का एरिया पड़ता है, यहीं पे राइट साइड पे है मदनपल्ली ड्राइविंग स्कूल, जो टेस्ट वगैरह देते हैं हम लोग अगर लाइसेंस चाहिए तो राइट साइड पे। अभी हम आ चुके हैं तिरुपति जंक्शन के पास, मदनापल्ली तिरुपति का जो हाईवे का जंक्शन है वहाँ पे आ चुके हैं, लगभग पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है छोटी सी लेफ्ट साइड में।
तो ये रहा जंक्शन मदनपल्ली तिरुपति हाईवे का। लेफ्ट जाएंगे तो मदनपल्ली जाएंगे और राइट जाएंगे तो हम जाएंगे तिरुपति हाईवे पे, जो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ और भी बनाना बाकी है। और यहाँ पे भी शॉप्स हैं चाय के वगैरह के, और यहाँ पे भी चंद शॉप्स हैं चाय होटल्स वगैरह। यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था, गाड़ी रुका करके जाना पड़ता था यहाँ पे। अभी थोड़ा पैचेस को फिलअप कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो फोर वे लाइन शुरू हो जाता है, जो नया हाईवे बना है वो शुरू हो रहा है। तो मैं कह रहा था थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फोर वे लाइन शुरू हो रहा है, देख सकते हैं आप, नजर आ गया होगा आप लोगों को अब तक। ये क्या है, नया नजर आया है। सामने की तरफ से धूप पड़ रही है ना लाइट से, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ब्राइटनेस कम नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और ये रहा न्यू हाईवे, और ये हाईवे जो कनेक्ट हो रहा है ये तिरुपति हाईवे के लिए कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए फोर वे बनाया गया है। और ये वन ऑफ द फेमस रॉयल वुड जो फर्नीचर का शॉप है मदनपल्ली में, ये वही है वन ऑफ द फेमस। और ये नया हाईवे आपके सामने, धूप की वजह से ना बोर्ड सही से नज़र नहीं आ रहा है। और जो हैदराबाद का डिस्टेंस है यहाँ से 538 किलोमीटर्स, और बैंगलोर का जो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर हमारे मदनपल्ली से। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बोर्ड नज़र ही नहीं आ रहा है सही से। पूरा फोर वे बना है यहाँ पे अच्छे से, पूरे बाईपास पे यही हाईवे बना देंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा। सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का पैच इन्होंने हाईवे बनाया है फोर वे। तो लगभग हम एंड पॉइंट के पास आ चुके हैं बाईपास के, अभी भी काम चालू है, पेंटिंग वगैरह चल रही है। तो अभी यहां से अगर लेफ्ट लेंगे दोबारा से हम सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और राइट से जाएंगे तो कड़पा के लिए जाता है रोड, हैदराबाद के लिए जाता है और अनंतपुर वगैरह जाता है। तो यहाँ पर एंड हो जाता है जो हाईवे है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल का नाम अभी रखा नहीं है या फिर मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी अभी बनना बाकी है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर साइड पर रुका करके बताता हूँ क्या है। तो ये सीधा रास्ता चले जाता है अंगलडू के तरफ, हैदराबाद की तरफ, और यहाँ पे हो जाता है एंड बाईपास का। तो मदनपल्ली का एंट्रेंस यहाँ से भी होता है, वो पुंगनूर साइड से मैं दिखाया था एंट्रेंस बाईपास का, और ये रहा कड़पा साइड से आते हुए एंट्रेंस बाईपास का। तो लगभग 20-30 मिनट लग गया मुझे पूरा वीडियो कवर करने में। और शायद ये जो सर्कल का नाम है ये है अनमया सर्कल शायद, मेरे ख्याल से, अभी पता नहीं है मुझे। तो यही था पूरा व्लॉग मदनपल्ली बाईपास का। और अभी भी यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं आप, तिरुपति के लिए लेफ्ट, उन्नूर के लिए भी लेफ्ट, मदनपल्ली के लिए राइट। मदनपल्ली अंगेलो रास्ता भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगा उसका। अभी यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, जो कड़पा साइड से एंटर होते हैं मदनपल्ली की तरफ, वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। कड़पा साइड से आते हैं तो एंट्रेंस ऐसा कुछ है। और इस साइड से बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमें तो ले लेना है अभी राइट, क्योंकि मदनपल्ली में एंट्री ले लेते हैं हम लोग, अंदर की तरफ टाउन में चलते हैं। और ये रहा बाईपास का पूरा वीडियो।
और मैं ओल्ड बाईपास पे से जा रहा था तो मुझे ख्याल आया थोड़ा सा ओल्ड बाईपास भी आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा ओल्ड वाला बाईपास, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, पूरा वीडियो अलग से बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 किलोमीटर का ही बाईपास है पुराना वाला और पूरा टाउन के अंदर एंटर हो चुका है ये वाला। तो अभी इसको सिर्फ ओल्ड बाईपास कहते हैं, वैसे तो टाउन में शामिल हो चुका है ये, नॉर्मल रोड की तरह ही है। तो कैसे लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो जो बाईपास का था, मदनपल्ली बाईपास जो 8 किलोमीटर का बाईपास है पूरा कवर किया हूँ मैं ये वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। और वीडियो के बीच में ना मैंने एक जगह पे कहा था कि रेस्टोरेंट को दिखाते हुए कि मैं इस रेस्टोरेंट का रिव्यू दूंगा लास्ट में, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये वाला वीडियो रिव्यू का नहीं है, सिर्फ रोड दिखाने वाला वीडियो है। तो मैं रिव्यू को कैंसिल कर रहा हूँ, इस बार नहीं दूंगा, फिर कभी देता हूँ रिव्यू रेस्टोरेंट का। तो इस व्लॉग को यहीं पर कर देते हैं समाप्त, यहीं पर कर देते हैं एंड। अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।